गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कंचन कुमारी महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास टू चैप्टर 5 बड़ा दिन पे है। तो आइए जानते हैं ये बड़ा दिन क्या होता है। तो सबसे पहले बड़ा दिन को हम क्रिसमस भी कहते हैं। यह त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के खुशी में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस त्योहार को सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। बच्चों, तो आइए अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर अर्थ समझते हैं। तो भारत त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, दशहरा और ईद की तरह बड़ा दिन भी यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इसे क्रिसमस भी कहते हैं। यह 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। ईसाई लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों, हमारा देश जो भारत है, ये क्या है? यह त्योहारों का देश है। इस देश हमारे देश में हर महीना कोई न कोई पर्व त्योहार मनाया ही जाता है। यहाँ के मुख्य पर्व है होली, दीपावली, दशहरा और ईद। बच्चों, इस बड़ा दिन को हम क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं। यह 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है। इस त्योहार को ईसाई लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बड़ा दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म बैथल हम में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसफ और माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के बचपन का नाम जीसस था। इन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दी। तो बच्चों, बड़ा दिन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे संसार में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैथलहम में हुआ था। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसफ था और माँ की नाम मैरी। ईसा मसीह का बचपन का नाम क्या था पता है आपको? ईसा मसीह का बचपन का नाम था जीसस। इन्होंने अपने उपदेश मानने वाले, अनुयायियों का क्या होता है? उपदेश मानने वाले। इन्होंने अपने उपदेश मानने वालों को प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दी। क्या दी? सीख दी। बड़ा दिन मनाने के लिए लोग एक सप्ताह पहले से ही घरों और गिरजाघरों को सजाना प्रारंभ कर देते हैं। बाजार की दुकानें सजाई जाती हैं। छोटे बड़े सभी अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदते हैं। दुकानों पर खूब भीड़ भाड़ होती है। सभी अपने लिए नए वस्त्र खरीदते हैं। तो बच्चों, बड़ा दिन मनाने के लिए लोग क्या करते हैं? एक सप्ताह पहले से ही साफ सफाई में लग जाते हैं। लोग अपने अपने घरों को और गिरजाघरों को सजाते हैं। बाजार में दुकानें सभी सजाई जाती हैं। इस त्योहार में छोटे बड़े सभी अपने अपने दोस्त और रिश्तेदार को उपहार देते हैं। क्या देते हैं? उपहार, जिसे हम लोग गिफ्ट कहते हैं, भेंट कहते हैं। तो ये छोटे बड़े सब अपने से बड़ों को भी और छोटे को भी उपहार देते हैं। दुकान पर खूब भीड़ भाड़ रहती है। क्यों? सभी अपने अपने लिए नए वस्त्र खरीदते हैं और जो और गिफ्ट खरीदते हैं जो दूसरों को देते हैं। क्रिसमस के त्योहार पर प्रत्येक घर में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। इसे शुभ माना जाता है। बच्चे इसे सजाने में खूब आनंद लेते हैं। इसे सुनहरी चमकीली घंटियों, सितारों, रंगीन कागज के खिलौनों आदि से सजाया जाता है। घरों और गिरजाघरों को मोमबत्तियों और बिजली के बल्ब की झालरों से सजाया जाता है। बच्चों, जब हम लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं तो क्या होता है इस त्योहार में? इस त्योहार में हर एक घर में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री को न बच्चों शुभ माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? शुभ। इसलिए इस ट्री को सभी अपने अपने घर में सजाते हैं। और इस ट्री को सजाने में सबसे ज्यादा कौन आनंद मजा लेते हैं? तो बच्चों लेते हैं। इस ट्री को बच्चे बहुत प्यार से, बहुत मजे आनंद से सजाते हैं।
स्त्री को सजाने में सुनहरी चमकीली घंटी, सितारों, रंगीन कागज के खिलौने आदि से इस पेड़ को सजाते हैं। घरों और गिरजाघरों को मोमबत्तियों, बिजली और झालों से सजाया जाता है। क्रिसमस के दिन रात के 12 बजे गिरजाघर की घंटियां बजने लगती हैं और मोमबत्तियां जला दी जाती है। सभी लोग एक दूसरे को केक या चॉकलेट खिलाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों, क्रिसमस के दिन रात के 12 बजे गिरजाघर की घंटियां बजने लगती हैं और लोग क्या करते हैं, तब मोमबत्तियां और उसमें मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। कहाँ पे? तो गिरजाघरों में 12 बजे रात को क्या होती है, तो घंटियां बजने लगती हैं, लोग उस घर गिरजाघरों में मोमबत्तियां जला देते हैं। सभी लोग एक दूसरे को केक और चॉकलेट खिलाते हैं और सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कुछ लोग सांता क्लॉज बनकर बच्चों को उपहार देते हैं। केवल ईसाई ही नहीं, सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में लोग सांता क्लॉज बनकर बच्चों को उपहार देते हैं। ये त्योहार केवल ईसाई लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? इससे हम लोग सीखे, हम लोगों को त्योहार के बारे में ज्ञान हुआ। ये इसमें उत्सव का आनंद, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली, तो उत्सव का आनंद, प्रेम और सद्भावना। तो बच्चों, इस त्योहार में हमारे विद्यालय में भी छुट्टियां मनाई जाती हैं। तो बच्चों, आप लोग ईसा मसीह के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब आइए हम लोग एक झलक शब्दार्थ दे देते हैं। धूमधाम, धूमधाम का अर्थ होता है जोर शोर से, प्रेम, प्यार, प्रारंभ, शुरू, शुभकामना, बधाई, शिक्षा, सीख, उपहार, भेंट, अनुयायी, उपदेश मानने वाले, सप्ताह, हफ्ता, वस्त्र, कपड़े। तो बच्चों, आप लोग ये शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।